नमस्ते, मैं जानवी झा माई न्यूट्रिशन चैनल झांसी से। आज का विषय है कभी भी अपनी उम्मीद का साथ मत छोड़ना। आप भी जानते हैं, मैं भी, कौन साथ देता है? कोई साथ नहीं देता, सिर्फ हम खुद अपना साथ दे सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि देखिए, आसपास वाले बहुत हैं, लोग सभी हैं जो हमें, कई लोग पसंद करते हैं, कई लोग नहीं पसंद करते। तो क्या करते हैं, हमें कहते हैं ना, एक कील पिंच करते हैं, सुई पिंच करते हैं, ताकि आप नेगेटिव हो सको और या तो आप गिर सको। और कुछ होते हैं हमें खड़ा करने के लिए रहते हैं, एक स्टिक की तरह, एक पेड़ जैसे गिरता है तो एक हम टहनी या कोई लकड़ी लगा देते हैं जिससे पेड़ खड़ा हो सके, यही करते हैं। पर ऐसे बहुत कम होते हैं, लेकिन पिंच करने वाले बहुत होते हैं। उम्मीद सिर्फ हम खुद से कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज हमें, कुछ भी डिस्टर्ब कर रहा है, कोई हमें बोल सकता है, बकअप कर सकता है, लेकिन जब तक हम अपने मन से नहीं होंगे तो हम खुद उठ नहीं सकते। उम्मीद सिर्फ अपनों से करो, अपने से करो, मतलब अपने आप से प्यार करो। जिसने अपने आप से प्यार कर लिया, वो जिंदगी जीना सीख गया। आपने देखा होगा, जब हम पैदा होते हैं तब हम रोते हैं और हमारा परिवार खुश होता है, और जब हम मरते हैं, हम अगर हमने पूरा जिंदगी अच्छे से जिया है, सब कुछ खुशी खुशी जिया है, हम मुस्कुराते, एक्सेप्ट करते हुए मरते हैं, मुस्कुराते हुए जाते हैं और घर वाले रोते हैं, यही जिंदगी है। उम्मीद इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि देखिए क्या है, मैं अपनी ही बात बताऊंगी। मेरे लिगामेंट टेयर था, लिगामेंट में डॉक्टर्स ने कहा उसको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन मुझे अपने पे ट्रस्ट था, मुझे था कि मैं अपने योगा और मेडिसिन से ठीक कर सकती हूँ और मैं बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाऊंगी। सो मैं हो गई। ये मेरी जब बेटी हुई थी तब मेरा लिगामेंट टेयर हुआ था, लेकिन आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ। और अगर 5 मिनट्स में बोलो, स्किपिंग भी मैं बहुत अच्छा करती हूँ, 5 मिनट्स में मैं 100-200 तक आराम से कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पे उम्मीद था, खुद पे ट्रस्ट था कि मैं कर सकती हूँ। देखिए, आप एक चीज बताइए, कभी भी कुछ भी, हंसी जो है, कोई क्या आपको दे सकता है? जब तक आप खुद ना मुस्कुराएं, आप खुद ना हंसे, कर सकता है? नहीं। हंसना मगर खुशी से, कोई खुशी दे सकता है, उसमें हम झूठी मूठी मुस्कुराहट दे सकते हैं, लेकिन जब तक दिल से खुश नहीं है तब तक नहीं दे सकते। दूसरा, बिस्तर, बिस्तर हमें लेटने को कह सकता है लेकिन नींद नहीं दे सकता। नींद हमारा अपना है, हमारे दिल का अपना सुकून है, तो हमें टूटी नींद ना देखे टूटी खाट। नींद जब आती है वो कोई नहीं देखता, लेकिन बिस्तर हमें लेटने को दे देता है, लेकिन अगर नींद नहीं है तो सो नहीं सकते। वैसे ही हमारी किताबें हैं, किताबें हमें ज्ञान दे सकती है, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हमने पढ़ाई किया, उसको पढ़ लिया, पूरा किताब पढ़ लिया, लेकिन समझ कुछ नहीं आया, तो वो किताब भी बेकार है। हमने किताब से उम्मीद की कि उसको हम पढ़ेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन जब तक हमने ग्रहण नहीं किया तो कैसे होगा। वैसे ही हमारी घड़ी है, घड़ी हमें समय बताती है। अगर हम समय पे काम नहीं करेंगे तो घड़ी क्या कर सकती, घड़ी तो सिर्फ टाइम बताएगी ना आपको, और तो कुछ नहीं। घड़ी बताती है कि आपका समय बीतते जा रहा है, टाइम निकलते जा रहा है, समय रहते आप कॉन्शियस हो जाओ, अपने आप को समझ जाओ। वैसे ही हमारा चमक है, फेस पे जो ग्लो होता है वो आप ला सकते हैं। हम मेकअप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं कुछ देर के लिए, कुछ घड़ी के लिए, लेकिन जो फेस की चमक है वो आपके अंदर से आता है, वो आपके मन से आता है। जब आपके मन में खुशी है, जब आपके पास ज्ञान है, जब आपके पास भक्ति है, जब आपके मन की और शरीर की काया एकदम अच्छा है, तो चमक आती है, नूर आता है, यही तो है। तभी मैंने कहा अपने से उम्मीद करना सीखो।
जब तक आप अपने से उम्मीद नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं एक बात बताती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हम कैसे जी रहे हैं, जानना चाहते हैं हम अपने को, हम अपने किस कसौटी पे हैं ये हम जानना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, तो दो टेक्निक है, एक मम्मा टेस्ट और दूसरा है एक बाबा टेस्ट। आप ये सोचेंगे बड़ा अजीब सा है। मम्मा टेस्ट, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते जाएं तो हमारी मम्मी है, पापा है, जो भी हमें देखते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं, हम स्कूल में पढ़ते हैं हम करेक्ट पढ़ रहे हैं कि नहीं, टीचर देखते हैं। इसी तरह आप खुद जो भी काम कर रहे हैं आप खुद ऑब्जर्व करिए, क्या आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। यानी मम्मा टेस्ट, मम्मी भी तो यही करती हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हर काम कुछ भी कर रहे होते हैं मम्मा काम करती हैं, लेकिन हमें देखती जरूर है, एक नज़र से देखती रहती है बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सही चीज़ से खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, यही तो है। फिर बाबा टेस्ट, बाबा टेस्ट भी क्या है, हमें खुद पे भी देखना है कि क्या हो रहा है, हमें हर वक्त हर समय ये सोचना है हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, यानी ईश्वर हमें देख रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं। बाबा बोलिए चाहे ईश्वर टेस्ट, वो हमें देख रहा है, हर वक्त देख रहा है, हर पल देख रहा है। तो ये रहेगा तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, जब हमसे गलती नहीं होगी तो हमें अपने पे ट्रस्ट रहेगा, हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो हमारी उम्मीद टूटेगी नहीं, क्योंकि जब हमने गलत काम किया ही नहीं तो उम्मीद टूटेगी कैसे। दूसरे तो हमें गिराने के लिए बैठे ही हैं, हम बिस्तर पे बैठे हैं तो वो गिरा सकता है, लेकिन हम जमीन पे बैठे हैं तो कहाँ गिराएगा, बिस्तर पे से गिरा के हमें चोट लग सकता है, लेकिन हम जमीन पे बैठे हैं तो कहाँ गिरेंगे। अगर उम्मीद हमने खुद से कर रखा है कि नहीं हम ये कर सकते वो कर सकते, तो हमारा उम्मीद जो है वो कौन तोड़ेगा आप बताइए, कोई तोड़ सकता है, नहीं तोड़ सकता। क्योंकि सोचना, वही मैंने कहा ना, उम्मीद अपने आप से करिए और उम्मीद छोड़िए मत। हमारा काम जरूर है कि जो हम काम करते हैं थोड़ा लेट रिजल्ट आता है, ये बात फैक्ट है, आप कुछ भी देख लीजिए रिजल्ट थोड़ा लेट ही आएगा, लेकिन हम टूट जाते हैं, आता है रिजल्ट, आता है देर सवेर आता है। हम सोचते हैं किसको सम्मानित मिला, किस इंसान को मिला, सम्मानित हमने किससे लिया, इससे नहीं, प्रकृति ने हमें क्या दिया इससे नहीं, हमने क्या दिया वो सम्मानित होता है। इसलिए कह रहे हो उम्मीद अपने से करो, अपने आप से करो। जिस दिन हमने अपने आप से उम्मीद करना सीख लिया उस दिन हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, बिगाड़ नहीं सकता, और जिंदगी की राह में हम आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे मानसिक हमारी कोई भी टेंशन हो, चाहे हम अपने किसी काम को करने जा रहे हैं, चाहे संबंधों के बारे में हो, अगर हमारी उम्मीद अच्छी है और हम काम उस पर अच्छा कर रहे हैं तो हमारे जो भी चीज़ है ये सब चीज़ सक्सेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे और खुशहाल बढ़ेंगे। इसलिए कह रही हूँ बार बार, अपने से उम्मीद करना सीखो और अपना उम्मीद जो अपने आप को है, अपनी उम्मीद को मत तोड़ो, अपने आप को, अपने आप से प्यार करना सीखो। जिसने अपने आप से प्यार करना सीख लिया सारा जग उसका अपना हो गया। अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखिए, जिसने ट्रस्ट कर लिया सो हर चीज उसका अपना हो गया। हम कहते हैं पैसे बहुत हैं लेकिन शांति नहीं है, तो ऐसे पैसे से क्या, पैसे से हम फिर अपने से दवाई खरीद सकते हैं, दवा हमारा हमें खिला के सुला सकता है, ठीक कर सकता है, लेकिन हम अगर हमें खुद
खुद उम्मीद नहीं है कि ये दवाई हमारा इलाज कर सकता है तो हम ठीक नहीं हो सकते। उम्मीद अगर हमें लगे है कि हम जिस स्टेटस पे हैं थोड़ा सा और मेहनत करेंगे और ऊपर बढ़ सकते हैं, हम और काम कर सकते हैं, अगर उम्मीद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास काम पड़ा भी है और उम्मीद नहीं है कि आप उठ के बैठ सकते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद रखना ही बहुत बड़ी बात है, अपने आप को समझना भी है। तभी मैं बार बार कह रही हूँ, अपने आप पर ट्रस्ट करना सीखिए, उम्मीद अपने आप पे रखना सीखिए। क्योंकि आज तक कोई भी इंसान जो है ना पूरा नहीं आया, ये हमेशा रखना याद। लेकिन जो भी है बस मामा ट्रस्ट और बाबा ट्रस्ट या भगवान ट्रस्ट पे ही उम्मीद रखना, क्योंकि ये दोनों ट्रस्ट अगर आपके पास है तो आप पार जिंदगी से आप खुशहाली पा सकते हैं बहुत आसानी से। इसलिए हमेशा अपनी उम्मीद का साथ मत छोड़ना, हमेशा अपने साथ रखना और अपने आप को रखना। इसलिए बार बार कहती हूँ, खुद से खुद की मुलाकात करवाइए। अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।